पीएम मोदी की ड्रेस पर आजाद की टिप्पणी से बवाल, जमफोंग पहने पर कहा था ना नर है ना नारी है। मैरिटल रेप में पति पर होगा केस, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा पत्नी से दुष्कर्म के लिए पति को छूट नहीं हो सकती। यूक्रेन जंग को खत्म करना चाहता है रूस, पुतिन ने कहा दुश्मन को समझाना हो कोई भी युद्ध खत्म तो होता ही है। कुलदीप को बैठाने पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स का निकला गुस्सा, टीम मैनेजमेंट से पूछा उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अर्जेंटीना के नोट पर होगी मेसी की तस्वीर, वर्ल्ड कप जीत के बाद सरकार तैयार कर रही है योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बेहद सतर्कता बरत रही है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मुद्दे पर बैठक की और सभी अस्पताल प्रशासन सीएमओ सीएमएस को यह निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में बेड आरक्षित किए जाएं, सभी लोग मास्क जरूर पहने। उत्तर प्रदेश की सरकार सूबे के स्वास्थ्य के लिए लगातार अग्रसर और प्रतिबद्ध है। प्रदेश में कोरोना को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। सभी लोग मास्क लगाएं और अभी सलाह है ये, और सभी चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। ठंडियों में रैन बसेरा पूरी तरह से इंतजाम कर दिया, सब लोग रैन बसेरे में रहेंगे। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने कहा है कि सभी लोग मास्क लगाएं। उत्तर प्रदेश में चिंता की कोई स्थिति अभी तक नहीं है, रैन बसेरों में भी मास्क के लिए उन्होंने बात कही है। मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, उत्तर प्रदेश की सरकार। खबर गोंडा से है, जहां मानवता की मिसाल पेश करने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई प्रशंसा कर रहा है। आपको बता दें कि जिले के अस्पतालों में गरीब और असहाय मरीजों के मौत के बाद शव को घर तक ले जाने के लिए तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसे देखते हुए रोटरी क्लब गोंडा, ग्रीन विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट व मारवाड़ी युवा मंच ने संयुक्त रूप से एक मोक्षी वाहन एम्बुलेंस खरीदी गई जो की पूरी तरह निःशुल्क काम करेगी। मैं बहुत ही कम शब्दों में दो बातों पर केवल जोर देकर के बताना चाहूँगा, एक दान और एक इन संस्थाओं के बारे में। दान के बारे में हम सभी जानते हैं, कहा जाता है गुप्त दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, जब एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता न चले कि दिया गया है। और वो ये यहाँ उपस्थित लोग इसको पूरा करते हैं कि ये जब देते हैं कहीं तो कंट्रीब्यूट करते हैं तो बाहरी आदमी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये दान जो जाता है एक संस्था के नाम पर जाता है। अखबारों में हम संस्था का नाम पढ़ते हैं, संस्था के जो पदाधिकारी होते हैं वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, इंस्टीट्यूशन बन चुका है। जब दान की बात आती है तो जो गुप्त दान किया जा रहा है इस संस्थाओं के माध्यम से, वो सभी बधाई के पात्र हैं। औरैया में स्कूली छात्र का बाइक सवार चार युवकों ने अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने अपहरण के पिता से फोन कर फिरौती की रकम मांगी। बेटे के अपहरण की सूचना पिता ने आयाना थाना पुलिस को दी। छात्र के अपहरण की सूचना मिलते ही आयाना थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक चारू निगम को मामले से अवगत कराया। आनन फानन में पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने तुरंत ही टीमों का गठन कर बच्चे की छुड़ाने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने जिले में घेराबंदी करके अपराधियों को पकड़ लिया, लेकिन अपराधी भागने में सफल रहे। गनीमत रही कि पुलिस ने बच्चे को अपराधियों के चंगुल से छुड़ा लिया। पुलिस ने सारी छापा करूं लोकेशन से डील लवर में लोग भाग गए चार का काथे पकड़ कर उनके पास लगते हैं तो गजेंद्र है या गजेंद्र संदीप नायक लाल रुपया हुआ गजेंद्र संदीप नायक लाल रुपया गजेंद्र संदीप को है मुझे बड़े भाई हैं बताओ। दिनांक 21/12/2022 को
महारतपुर के रहने वाले एक व्यक्ति लाखन सिंह आकर 9:30 बजे के करीब थाना आना पर आकर उन्होंने एक सूचना दी कि उनका पुत्र कपिल देव शाम से मुरादगंज चौराहे पे काम से निकला था और वो गायब है। उसके फ़ोन से उनके पास एक फ़ोन आया कि 1,80,000 रुपये लेकर आ जाओ मेरे पास। इस बात को जानकर वो तत्काल थाने पर आए हैं FIR कराने के लिए। इस बात की लिखित तहरीर लेकर तत्काल थाना पर FIR पंजीकृत किया गया। इसी FIR के बाद तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती चारू निगम मैम को इस अवगत कराया गया। खबर रायबरेली से है, जहाँ जिलाधिकारी की उपस्थिति में प्रशासन चला गांव की ओर चौपाल लगाई गई। इस चौपाल में कई किसानों ने भाग लिया। वहीं सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए और किसानों को जागरूक किया गया, साथ ही सभी विभागों की जानकारियां उनको उपलब्ध कराई गईं। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय, सभी तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय तथा ग्राम पंचायत स्तर पर इस तरह की चौपाल का आयोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिससे किसानों को जागरूक किया जा सके। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में कॉकटेल पार्टी को लेकर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सेक्रेटरी आजम मीर खान ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि कॉकटेल पार्टी चल रही है तो ओल्ड बॉयज का लॉज तुरंत खाली करा लिया गया। वहीं उन्होंने AMU कैंपस के लॉज में शराब पार्टी के जाने को शेमफुल भी बताया। AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सेक्रेटरी आजम मीर ने कहा कि AMU के अंदर शराब पीना मना है और ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि जिन्होंने लॉज बुक कराया है उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और क्यों ना आप भी मेंबरशिप खत्म की जाए। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जिला अदालत में साल 1993 में हुई एक डकैती और डकैती के दौरान हुई हत्या के मामले में 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही सभी आरोपियों पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पूरा प्रकार मैं ललित कुमार बघेल, विधेयक लोक आयोजक 10 प्रभावी क्षेत्र। मामला 30/5/1993 का है। रात को 12:30 बजे 7 लोग नामजद डकैती के इरादे से घर में घुसे, मारपीट की, गोलियां भी चलाई, गोली छर्रे लगे, एक महिला को गंभीर चोटें आईं और उसके बाद दौरान मृत्यु उसकी महिला दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। मामला यहां पे ट्रायल में चला, दौरान ट्रायल एक अभियुक्त एक्सपायर हो गए, 6 लोगों के खिलाफ वो हुआ, ट्रायल हुआ। प्रेम कुमार राठौर, विशेष लोक अभियोजक 10 सुप्रभावी क्षेत्र। आज से 29 साल पहले एक मामला दर्ज हुआ जसराना में, जिसमें 6-7 आरोपी बनाए गए, जिसमें एक की मृत्यु हुई। 6 आरोपी के खिलाफ ट्रायल चला। माननीय जन न्यायाधीश श्री रविंद्र कुमार साहब ने आज जिसमें निर्णय सुनाया है, 396 में 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन की सजा सुनाई और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां जिले की बेटी नीतू ने क्रिकेट UP में 19 मैच खेलकर जिले का नाम रोशन किया है। वहीं नीतू के कोच का कहना है कि बेटियों को मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने गांव में ही क्रिकेट का मैदान बनाया है, जिससे कि बेटियों को आगे बढ़ने से रोका ना जा सके। वहीं अलीगढ़ से ही क्रिकेट रिंकू सिंह ने भी IPL में खेलकर जिले का नाम रोशन किया है। आप 5 साल से प्रैक्टिस के बाद में आप अंडर 19 खेल के आई हैं, कितने मैच खेली हैं आप वहाँ पर और कहाँ कहाँ खेल के आए? मैं 5 मैच तो मैंने पुणे खेले थे और 6ठा मैच था हमारा चेन्नई में। क्रिकेट ही आपने क्यों चुना? क्रिकेट मैं बचपन से खेलती थी, टेनिस खेलती थी गांव में तो भाई के साथ। गांव वाले वैसे भी मना करते थे मेरे से, ये ताऊ भाई ये क्यों खिलाते हैं लड़की है, ये यही बताते रहते। पर वैसे ये लाया गांव की प्रतिभा, कहते हैं कि लोग गांव में प्रतिभाएं नहीं होती। मेरा गांव में प्रतिभा क्यों नहीं होती, गांव में बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। पहले यहां पर रिंकू सिंह थे, वो आजकल IPL खेल रहे हैं, उन्हें भी इस एकेडमी सपोर्ट किया और मेरी वो है जादव राइडर क्रिकेट क्लब से नाम से एक
थी, मैं एक क्लब है मेरा, उससे रिंकू खेलता था, वो आज फिर खेल रहा है। मैंने उससे के साथ ही मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अलीगढ़ में क्रिकेट का माहौल बनाऊं, तो मैंने यह क्रिकेट का ग्राउंड बनाया और अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसे दे रखा है मैंने, और मैं चाहता हूँ। खबर मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र से है, जहां एक कबाड़ी ने घर में घुसकर गर्भवती महिला और उसकी एक साल की बच्ची की जमकर पिटाई कर दी। कबाड़ी ने गर्भवती महिला के पेट पर लात भी मारी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित परिवार ने मामले में पुलिस से शिकायत की है, जिस पर SPCT का कहना है कि मारपीट के मामले में तहरीर मिली है, तहरीर के आधार पर जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ शहर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर सजाया जा रहा है और संवारा जा रहा है, जिसके बावजूद भी कहीं ना कहीं शहर की सड़कें स्मार्ट सिटी के अंदर आने वाले अधिकारियों की पोल खोलती हुई नजर आती हैं। शहर की सड़कों के किनारे खुली नाले और नालियां किसी अनहोनी घटना को बुलावा देती नजर आ रही है। इस दौरान थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत 2 साल के बच्चे के नाले में गिरने का मामला सामने आया है, जो की नगर निगम की लापरवाही को साफ दिखा रहा है। मतलब कोई ले गया कैसे, कोई चक्कर में सब देखने लगे थे ऐसे वैसे, तो पुलिस वाले आए थे दरोगा साहब, उनने बोला नाले में देखो एक बार, कहते बच्चे नाले में गया हो, तो ये नाला हमने आगे वाला देखा, वहाँ तो निकला नहीं, यहाँ पर डंडे वंडे हमने मारे थे, यहाँ पे भी कोई तीन सेट हमने उठाया है यहाँ से, इसके नीचे निकला है बच्चा, ये कितनी देर तक ये कम से कम 2 घंटे करीब हो गया इसको, ये बच्चा अभी 2 साल का नहीं है, 5 तारीख को 2 साल का हो जाएगा बच्चा। खबर रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र से है, जहां एक युवक के 11,000 केवी लाइन के झूलते तारों से टच होने से घायल होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कई लोगों के मना करने के बाद भी युवक नहीं माना और पिकअप गाड़ी के ऊपर बैठ गया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार उन्नाव का रहने वाला है, हमारे पास जो अभी आया था वो बर्न की कंडीशन में आया था, उसका जो है एक राइट फुट जो है काफ़ी बर्न था, बोन तक इन्वॉल्वमेंट था उसका, तो उसको मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट देके उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया है, और वो किसी चीज़ से बर्न हुआ, इलेक्ट्रिक बर्न ही था। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।